अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद जो है मैं आ गई हूँ एक छोटा सा व्लॉग लेके। आई होप कि आप सब इन्जॉय करेंगे मेरा आज का व्लॉग, और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे, आपको अपनी नई वीडियो में, और उम्मीद के साथ कि मैं अब रेगुलर वीडियोस इंशाल्लाह इंशाल्लाह डालूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। बिजी किस चीज़ में थी वो भी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे थी फ्रेंड के बेटे की बर्थडे, तो हम लोग वहाँ पे इन्वाइटेड थे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से डिसेंट सा जो है वो डेकोरेट किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हेल्पर्स वगैरह तो होती नहीं है, ज़ाहिर है जो भी करना पड़ता है ख़ुद ही करना पड़ता है। मेरी जो फ्रेंड है वो काफ़ी मतलब बिज़ी रहती है, उसकी रूटीन काफ़ी बिज़ी रहती है, लेकिन फिर भी मैं शॉक्ड थी कि उन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था और इतना मतलब अच्छे तरीके कैसे सब कुछ मैनेज हुआ। वो जॉब करती हैं, मतलब वो हाउसवाइफ नहीं है, वो एक टफ़ जॉब करती हैं, और एक बच्ची के साथ और जॉब को और घर को लेके सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तो लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, और यहाँ पे KFC और पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था, क्योंकि घर पे कुछ भी कुकिंग नहीं की थी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि वो काफ़ी बिज़ी रहती हैं, और ये सैटरडे था और इतनी ज़्यादा इंतहा की गर्मी थी उस दिन। मेरा ये व्लॉग आने में काफ़ी लेट हो गया, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं आगे आपके साथ हर अपनी रूटीन शेयर करूंगी, आपके साथ रेगुलर व्लॉग शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मतलब इस तरीके से उन्होंने मैनेज कर ली। इसके बाद बच्चों ने छोटा सा एक खेल रखा हुआ था, होप कि आप सब भी उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। पूरा दिन ऑलमोस्ट गुजर गया था, तो मैंने ही बल्कि याद करवाया कि केक नहीं काटना क्या, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे पहले केक काटा जाता है, फिर उसके बाद खाना सर्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट था सब कुछ। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे लिए ऑपोजिट था। मे बी होपफुल कि यहाँ पे यही सब कुछ होता हो, इसी तरीके से होता हो, क्योंकि सबसे पहले खाना लगा दिया गया, बच्चों ने अपना इंजॉय किया सारा। यहाँ पे थोड़ा सा स्विमिंग का सिस्टम फ्रेंड ने रखा हुआ था, उसको मतलब बच्चों ने स्विमिंग एंजॉय की। उसके बाद छोटी सी जो आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में, छोटा सा एक टास्क रखा हुआ था, खेल रखा हुआ था, वो बच्चों ने एंजॉय किया। उसके बाद एंड पे केक काटा, और केक काटने के बाद केक सब ने खाया, केक भी बहुत मज़े का था। Dora, can you come and stand next to Mary, please? Yeah. Stay next Sarah. To Mary. Stay next to Mary. What am I doing? Next to Mary. You're trying to burn the candle. Mommy. Yeah. She's not burning me. She's just putting me. I carry Nora, come over here. Sarah, Adam, you come here. Nobody moving the table. Oh yeah, Adam,
Oh, that's fine. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mary. Happy birthday to you. Anybody's really good at cutting the cake and serving it? Yes, Mary. होप कि आप सब ने इन्जॉय किया होगा। उसके बाद केक कटिंग की गई, जिसको परफेक्टली कटिंग करनी आती थी और डिस्ट्रीब्यूट करना आता था वही सबसे आगे आ गया और उसने जो है वो केक सर्व किया काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ पे केक का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा था। यहाँ पे अगर किसी भी मार्केट से ले लो आपको ऐसा ही केक मिलता है, फ्रेश केक ले लोगे तो वो और भी ज़्यादा मीठा आपको मिलेगा क्योंकि उसमें क्रीम इतनी ज़्यादा की होती है कि इंतहा की क्रीम इसमें की होती है। होप कि आप सबको जो है वो मेरा बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा सा व्लॉग था, आगे बच्चों ने बस इन्जॉय ही किया, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। बस ये थी बर्थडे पार्टी। तो होपफुली कि आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा और देखते रहिए मेरे आगे भी। नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग डालूँगा, डेली ना तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं लाजमी व्लॉग डालूँ। तो होपफुली आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल पे भी विज़िट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने पहले ही डाल रखी हैं और इंशाल्लाह और भी आगे डालूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।